हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमनप्रीत सिंह एंड ये मेरी सेकंड वीडियो है एंड आई एम सेकंड ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। सो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले बता दूँ कि पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा। पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर इसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखिए उसके बाद ये वीडियो देखना। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था कि मर्चेंट नेवी क्या है और कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, अब तक आपको समझ आ गया होगा मर्चेंट नेवी क्या है। सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम जो बच्चे 12th में हैं, जो नॉन मेडिकल में हैं, पहले उनका बता दूं मैं। जो बच्चे 12th में हैं, अगर उन्होंने PCM ज्वाइन किया हुआ है, नॉन मेडिकल जिसको बोलते हैं, अगर उनके 12th में 65% आते हैं एंड आपके 10th या 12th में इंग्लिश में 50% है तो यू आर एलिजिबल। उसके बाद अगर आप BSc कर रहे हैं एंड BSc में अगर आपके 60% मार्क्स हैं फाइनल ईयर में तो आप एलिजिबल हैं। एंड अगर आप BE या BTech कर रहे हैं और आपके 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गए परसेंटेज के मार्क्स। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी के लिए। तो मार्क्स तो हमने बात कर ली एंड या फिर जो अभी 9th में है 10th में वो प्लान कर सकते हैं नॉन मेडिकल लेकर। आपको मैंने मार्क्स का जो है बता दिया कितना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पर भी आप देख लीजिए। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा। अब एज की क्राइटेरिया क्या है, जो मिनिमम एज है वो है 17 ईयर्स। 17 साल के कम बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि 17th ईयर तक आप 12th पास नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम एज है जो 12th वाले हैं वो है 19 ईयर्स। जो एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको वो मैं आपको डाल दूंगा वीडियो में एंड आप वहाँ देख लेना। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चे BSc में हैं उनकी एज है 22 ईयर्स, वो 22 साल के होने चाहिए। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट करना है ये पूरा चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका जो एग्ज़ाम होता है ज्वाइनिंग का, ये IMU लेता है, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। एंड यही आपको बाद में जैसे आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, आप कैडेट ज्वाइन कर लोगे, कैडेट के बाद ये आपको डिग्री देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपको कैसे स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे भी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि ये इसका लिंक है। इस साइट पे आप जाओगे, आप IMU के साइट पे जाओगे, वहाँ पे आप रजिस्टर अपने आप को करोगे एंड आपको एग्ज़ाम का पता लगेगा और कब करना है। यस, दैट्स द मेन पॉइंट। आपको साल में 2 इनटेक होते हैं, एक होता है अगस्त इनटेक, एक होता है जनवरी इनटेक। जो अगस्त इनटेक होता है वो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल में। जैसे मैं MSc में काम करता हूँ मैरिटाइम शिपिंग कंपनी में, तो वो मुझे एवरी ईयर जब भी इनकी ज्वाइनिंग होती है तो मुझे पूरा क्रेडिट का भेजते हैं। इनका जो स्टेप है प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये स्टेप। एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मुझे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर लीजिए। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी लेकर आऊँगा। अभी ये मेरा सेकेंड वीडियो है, इसमें मैंने बताया क्राइटेरिया का। नेक्स्ट वीडियो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बताएंगे जब क्राइटेरिया के बाद हो जाएगा कैडेटशिप में पढ़ाई क्या होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम बताते रहेंगे कि कैडेट का क्या काम होता है जहाज पे, फिर आपकी आगे प्रमोशन कैसे होगी। ठीक है, एंड इनमें जो होता है फर्स्ट आप कैडेट ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करोगे, देन सेकेंड ऑफिसर सेफ्टी ज्वाइन करोगे, देन सेकेंड ऑफिसर करोगे, चीफ ऑफिसर, देन मास्टर। पहले रैंक होते थे कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन। आज के टाइम पर क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है एंड बहुत सारे लॉज आ गए हैं जिसके कारण कंपनी को भी बहुत सेफ्टी के मामले में देखना पड़ता है, इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे रैंक्स बना दिए हैं कि प्रॉपर एक्सपीरियंस हो उस बंदे को, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। ठीक है, थियोरेटिकल तो आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल इस चीज़ में देखो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब सोचते हैं कि लाइक हमें बहुत अच्छे किताब हम रट्टा मार के पास हो जाएंगे ये सब, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। क्यों हिला डाला ना, इसमें कॉमन सेंस चाहिए,
इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए, इसमें कोई हाई फाई वाली चीज़ें नहीं चाहिए, ये कोई IIT का पेपर नहीं है। इसमें बस आपको बेसिक चीज़ फॉलो करनी है, समझना है चीज़ को, कॉमन सेंस फॉलो करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। जो उसका ब्रोशर है IIM का, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, वो जो अगस्त इनटेक हुआ था वो उसका ब्रोशर है, ठीक है, ये लेटेस्ट ब्रोशर मेरे पास यही है, मैं उसका डाल दूंगा, आप देख सकते हो प्रॉपर ब्रोशर, ठीक है। ये है क्रिटेरिया एंड हमारी कंपनी है MSc, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं MSc की, बट जो मेरे पास है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बॉम्बे में, गोवा में, सब जगह में, गुजरात में, ठीक है, तो हर हर जगह पे वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। आपको एग्ज़ाम्स जब होगा मैं बता दूंगा, जो नेक्स्ट होगा जब भी होगा, ठीक है, वो आप वहाँ पे जाके दे सकते हो जब भी एग्ज़ाम होगा इनका। इनका ऑनलाइन आप रजिस्टर करो, इनके लिंक हर कंपनी के, इट्स नॉट MSc, बहुत कंपनीज है, एंग्लो ईस्टर्न है, मर्स्क है, एंड फ्लीट है, वरुण शिपिंग है, बहुत कंपनीज हैं, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर करो एंड आप डायरेक्ट भी उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि हमारे एग्ज़ाम्स, आपके लोगों के एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं। आजकल क्राइटेरिया क्या है, विदाउट स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप मतलब कोई कंपनी जब तक आपको हायर नहीं कर लेती, आप ये कोर्स नहीं कर सकते। पहले कुछ और था, अब ये सिनेरियो है। सो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा, ये अप्रैल में, मतलब जो 12th में कर रहे हैं बंदे, वो अप्रैल में स्टार्ट कर लें ये सब देखना प्रोसेस, क्योंकि अप्रैल में इनका इनटेक एग्ज़ाम्स वगैरह कंपनी का स्टार्ट हो जाता है। पर आप सोच रहे होंगे एग्ज़ाम तो हमारी हुई नहीं, मार्क्स तो आए नहीं। यस, मार्क्स जिनको लगता है, जिनके 65% आ सकते हैं अराउंड, इतने तो सबके आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हो गया है, सो आपको पता ही होता है सबको अपना अपना। एंड अगेन, जिन्होंने फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस रिगार्डिंग मशीन ने भी प्रोसेस, जैसे मैंने बताया पहले कैट की क्या जॉब होती है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एंड ये है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्राइटेरिया आपको पता लग गया होगा, बाकी डिटेल मैं जो थिंग इसका है पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिए। एंड कीप फॉलो एंड सब्सक्राइब, और मैं हर 3-4 दिन बाद एक वीडियो डालूंगा इसका, ठीक है, तो थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, गुड बाय।